तो गाइज हम लोग निकले हैं घर से इसको वापस अपने घर पे फेंकने के लिए, मतलब अगली तक ड्रॉप करने के लिए हम जा रहे हैं। रास्ते में कैनन से इसको छोटू सा बच्चू सा अच्छा वाला ट्राइपॉड लेना जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। yes. और अंकिता के लिए भी डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, अंकिता को खुद फील हुआ। yes. पता है कितने महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद उसको फील हुआ। तो अभी हम ने लिया था दिसंबर में। हाँ, और बस अभी वहाँ से पहले पिक करने जाएंगे एंड देन रास्ते में जलसे मारते हुए मस्ती करते हुए जाएंगे अंकिता को ड्रॉप करने एंड वहाँ से मैं मारेगा रिटर्न। तो आप ब्लॉग को एंजॉय करो, बाकी कुछ अगर इंटरेस्टिंग हुआ होगा तो थंबनेल में आपके मिल गया होगा। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। अच्छा गाइस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बाइक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस मैंने हिरन को बहुत ज्यादा मनाया तब जाके उसका मूड ऐसा हुआ है। जाने तो गाइस बैंड बजा दी थी, वो प्रैंक आप देख लो, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। बट बहुत जरूरी था मेरा कमबैक करना। सो घंटा कमबैक। तो गाइस ब्लॉग करना भूल गया टेंशन में, बट अंकिता मैडम अपना फोन घर पे भूल गई थी जिसकी वजह से हमको वापस रिटर्न जाना पड़ा और रिटर्न जाने के बाद वापस से फोन लेना पड़ा एंड अब वापस से निकल रहे हैं हम। सही टाइम पता चला कि बड़ौदा पहुंच जाती तो कांड हो जाता। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? इन बिटवीन में फोन निकालो, नहीं ऐसा हो ही नहीं। हाँ, तेरा इंस्टाग्राम बिना तो तेरा जीना आ रहा मुझे। हाय अंकिता। हाय हिरण। मोबाइल भूल कर कितनी जगह तो आज तक भूली है। बहुत सारी बार। तो हम आए कैनन में, मैं आपको बता दूं कि वस्त्रापुर के पास जो जगह है अडवेट ये वाले कॉम्प्लेक्स में हम हमेशा यहीं से लेते हैं। अगर आप हमारे नाम से आओगे तो पूरे मार्केट में सबसे सस्ते रेट में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कैनन या नाइकॉन या ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी। ये शॉप है कैनन की, ये सोनी और नाइकॉन वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ मिलेगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स है अडवेट एयर ड्राई फ्रूट्स के एग्जैक्ट सामने। ओके, तो हम लोग कैनन से अभी जस्ट निकले, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तामझाम था तो अंदर शूट नहीं कर पाए हम लोग क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कोई वर्कशॉप या कुछ चल रहा था। और अंकिता ने क्या लिया है, ये ट्राइपॉड लिया। गाइस अगर आपको भी ये लेने हैं ना तो बहुत ही बेस्ट है, ये सेल्फी रॉड में रिमोट के साथ भी है एंड यहाँ से लोगे तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा वैसे, वरना इसकी ऑनलाइन लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतना छोटा है ना कि पर्स में भी रख के कैरी कर सकते हो। ये बेस्ट है कि इसका शेप ऐसा आता है, ये ओपन हो जाती है और मैं इसको रेगुलरली यूज करता हूँ। हमने आपको एक ब्लॉग में दिखाया हुआ ये ऑलरेडी, ये ऐसे ट्राइपॉड यूज कर सकते हो, ऐसा सेल्फी स्टिक यूज कर सकते हो एंड ऑल्सो खुल जाता है, यहाँ पे मोबाइल अटैच कर सकते हो तो यहाँ पे इसका रिमोट दिया जो इसको निकाल के आप यूज कर सकते हो। बहुत ही कॉम्पैक्ट और ईजी है और टूटेगा नहीं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, मतलब ऑनलाइन लिंक तो डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा पर अंदाज में तो आप यहीं से ले लो, ज्यादा बेटर है। अब अपने ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं, चलो। देखो गाइस मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, अंकिता को मैंने बोला प्लीज प्रीमियर अटेंड कर लें, मेरे पास भी प्रीमियर चालू है फोन में, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है जब मैं हम लोग बाहर होते हैं कुछ काम में होते हैं या मैं ड्राइव कर रहा हूँ या हाईवे पे होते हैं, कभी भी प्रीमियर का टाइम होता है एंड वी ट्राई टू मैनेज एज मच एज पॉसिबल जस्ट फॉर यू गाइस, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन हु सपोर्ट्स रेगुलरली, है ना अंकिता। अब करते हैं वॉमिट प्रैंक करते हैं अंकिता पे, इसलिए रियल वॉमिट नहीं है, थोड़े से पार्ले जी पानी है जो बिल्कुल वॉमिट जैसे दिखते हैं। बचपन में स्कूल में ये ट्रिक्स हम यूज करते थे बीमार होने के लिए। यार मत्था मार रही हूँ, क्या कर रही? मत्था मार रही थी? ये बैग हटा पहले, सबसे पहले तो पीछे रख दूँ? रख दे प्लीज, मत्था क्यों मार रही थी? लास्ट टाइम तूने मेरे पे गिराया था इसलिए पकड़ के रख। तो एक्सप्रेस हाईवे पहुंच गए हैं और हम ब्लॉक करना भूल गए थे, ना ही हमने टॉल का ब्लॉक किया ना ही कुछ, हमने रेडबुल खोल दिए, इससे पहले हमने खाई एक दाबेली। yes. वो भी ब्लॉक करना भूल गए एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बड़ोदा। yes. वडोदरा वडोदरा। नींद बहुत आ रही है। नींद तो मैं भी आ रही हूँ, जितना ये सोया उतना मैं ही सोई हूँ, शायद मैं उससे कम सोई हूँ। तू मेरे से ज्यादा सोई है क्योंकि गाइस हम लोग सोए थे सुबह के 4 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 4:30 और उठ गए थे हम लोग सुबह के 7:30 बजे। टेक्निकली नींद पूरी नहीं हुई है तो ब्लॉग तो कर रहे हैं बट
रिटर्न में मैं अकेला हूँ तो लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ, क्या होता है हमारे साथ, देखते हैं क्या ऐसे दिख रही है। रिटर्न में मैंने बोला मैं कैब में चली जाती बट नहीं माना। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनी। हाँ नहीं तू हाल है दिव्या, हाल है। हम लोग हाईवे पर ही पढ़ाते, एक घंटा लगे आशा है घर पहुंचते पहुंचते, तो खा ले। मम्मी वेट कर रही है खाने के लिए। बस चलते हैं चलते हैं, लेट हो गया निकलते हुए। क्या करे तेरी वजह से। किसकी वजह से? तेरी वजह से लेट हुआ था अंकिता। मैंने तेरे रूम को पवित्र किया। तेरा पवित्र बेड़ा निकालूंगा तू देख, याद रखेगी उस दिन तू। ए सोनेगा नहीं अंकिता, अंकिता नौटंकी सच में सो गई थी। यार एरन सब मुझे सोते रहे, आप सोते रहते हो ऐसा बोलते हैं, बंद कर। मैं 5 मिनट के हुए तू तो बोलने लगा। ये देखो गाइस सो गई, तो अपने उसका फायदा उठाएंगे। ओके गाइस, तो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा जो ब्लॉग चैनल पे देख रहे हो, अब भी जस्ट मैंने अंकिता पे किया है वॉमिट का प्रैंक। और अंकिता के मैंने पूरे कपड़े बिगाड़ दिए, ये देखो दिखाता हूँ। मत ले यार तो ब्लॉग में ऐसे सब ले रहे हैं। बहुत 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 एक्सट्रीम लेवल के अमेजिंग रिएक्शन आए थे। अभी अंकिता को कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। अंकिता कैसा एक्सपीरियंस रहा ये तो बता, प्रैंक का बता ना। मत कर, बात सच्ची है मेरी, कुछ भी बोलूं मैं मार दूंगी तुझे, याद रख। तू मारेगी मेरे को? हाँ तेरे को मारूंगी। क्यों मारेगी? क्यों मारेगी? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी क्या? पापा के बेटी का रहा चलता क्या? हाँ। ए जल्दी कर, लेट हो रहा है। अरे जल्दी करना, ये ना कर इरिटेट तो। तो लेट हो रहा है, जल्दी कर। रास्ते में बोला था रास्ते में उल्टी करने, तो हाईवे पे नहीं खड़ी रखते, जल्दी कर। अरे जल्दी कर अंकिता, जल्दी कर। तो मैं खड़ा है बाहर, अंकिता कपड़े चेंज कर रही है अंदर, क्योंकि उसके पूरे कपड़े की मैंने मम्मी सिस्टर अंकल आंटी कर दी है। गाइस प्रैंक देखना मत भूलना, बहुत ही अमेजिंग है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। बहुत झगड़ा होने वाला है इसके बाद। अंकिता हो जाती है तैयार, तब तक हम बैठेंगे क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा टाइम लगाती है तैयार होने में, एंड मैं थक गया इतनी देर में। तो वेट करते हैं अंकिता, जब हॉर्न मारेगी तब जाएंगे गाड़ी के अंदर। अंकिता बाहर आई, हाय। हाँ तो वही तो ब्लॉग कर रहा हूँ ना, प्रैंक की जगह पे ब्लॉग तो खत्म करने का ना। अच्छा एक चीज, मेरे पास कोई और ऑप्शन होता ना मैं चली जाती। एक चीज बतानी थी तेरे को। क्या है? सुनना इधर देख, मस्त लग रही है इसमें सच्ची। तो पहले बोल दिया होता कि पहन लेती, उसके लिए उल्टी करने का सब काम। मुझे थोड़ी पता नहीं थी तेरे पास कपड़े हैं, ये वाले मुझे कैसे पता होगा। चलते, मजा पड़ी मने। मैं सीट बेल्ट पहन लेता हूँ, अच्छे नागरिक की निशानी। अब आप लोग की निशान बहुत सारी है, साफ तू ही करेगी ना तेरी साइड का। तो चल तू करेगा, मैं तो अभी जा रही हूँ गाड़ी में, तेरे को बैठना। मैं उस साइड नहीं बैठने वाला। हाँ ठीक है, तो पड़े रहते हैं। हाँ तो ठीक है, अब तो गुस्सा छोड़, ब्लॉक कर रहा हूँ मैं। बहुत गंदा है, मैं सच में उल्टी करी, पता है तेरे को? हाँ पता है, पर प्रैंक तो प्रैंक बनता है ना। तूने मेरे साथ इतना गद्दा किया, मेरे को वहां पे जाके रुकने का कैसे मैं करूंगा कुछ नहीं मालूम ना, तेरे पास भी कोई आइडिया नहीं। मैंने पूछा देखो तो तू बोल रही है मेरे को नहीं पता, मैंने तो कर दिया बस। अब पर देखो बिल्कुल पता नहीं चला कि वो वॉमिट नहीं है। स्कूल में करती थी, स्कूल में करती थी, तो अभी देखो पता नहीं चला। मुझे क्या पता अभी तू ऐसा करेगा, और पार्ले जी बिस्किट कहाँ से लाया वो नहीं पता। बस स्कूल में मैं ऐसा करती थी, मुंह में पार्ले जी बिस्किट भर लेती थी, चबा के रखती थी, फिर पानी भर लेती थी, और जब वो मेरे सर का पीड़ा आया तो मैं मतलब मेरी बेंच के बाजू में ये करके तो वो उल्टी गिरे, और ये उल्टी जैसा लग है। तो फिर मैडम बोलो बड़ी लड़की की तबीयत खराब है, इसके पेरेंट्स को कॉल करो। फिर मम्मी छुट्टी दो इसको घर पे। हाँ फिर मेरे को वो अलग रूम में सोने के लिए देते थे, मैं सो जाती थी, फिर मम्मी लोग
यार तूने जो पार्ले की वगैरह वगैरह जो बताया ना वो तूने खुद को एक्सपोज कर दिया पता है गाइस कमेंट करो क्या आप लोगों ने कितनी बार ऐसे नकली उल्टी बना के उल्टी करके छुट्टी लेने की ट्राई की है बताओ कमेंट करो नहीं मानी है मैं तो मनाने के लिए बातें कर रहा हूँ अच्छे अच्छे रास्ता कटे तो खड़ी रख देता हूँ रास्ता नहीं कटेगा और वैसे भी तू ही बोलती है ना हमेशा एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना नहीं हूँ तेरे वाला ऑप्शन ही नहीं बचा चल मेरे बाद तेरा सेकेंडरी ऑप्शन कौन है मैंने वो सेकेंडरी नहीं अगर बाय चांस अगर सोचने जाए कि यार हीरे नहीं तो ये सही तो कितने लड़कों को जानती है जिसे तो बात करती जोर से बोलना पे ब्लॉग चल रहा है किसी को मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ मैं दिव्यांग के साथ ही घूमती रहती हूँ हमेशा और मेरे साथ और मम्मी और तू गाइस जब लोगों को पता नहीं था ना कि दिव्यांग मेरा भाई है तो मैं दिव्यांग के साथ में कहीं बाहर जाते थे ना और तभी भी हम लोग को काफी लोग जानते थे तो हीरेन को कोई मैसेज करके लोग मैसेज करके कमेंट करके मुझे बताते थे कि हीरेन भैया मैंने अभी अंकिता को किसी और लड़के के साथ देखा ऐसा कमेंट करते थे मैसेज करते थे कितने और जिनके पास नंबर होता था वो फोन करके बोलते थे अरे फोटो खींच के भेजी हुई है मेरे और दिव्यांग की सोचो छुपके से वो भी मतलब अब फिर उसके बाद तो आता था मैं बोलता भाई ऐसा दिखता है ये हाइट वाइट है बोले हाँ वो उसका भाई है मैंने बोला गाइस सच बोलूं मैं मजाक नहीं कर रहा मैंने अंकिता को कन्फेस भी किया था कि दो चार बार तो है ना भले मुझे पता था कि इसके भाई के साथ है और मैसेज आया था कॉल आया था मेरे पे पर मैं उनको क्या बोलता पता है अरे वो उसके भाई के साथ है ऐसा तो फोटो खींच के मेरे को भेज दो बस पर जब हाथ हटा मैं गुस्से में होता था मैं हाथ हटा नहीं मेरी सीट है दोनों मेरी सीट ले जाना अंदर धुलवा के वापस दे देना फाइनली हम बड़ोड़ा के अंदर एंटर हो रहे हैं बाकी आगे का अंकिता शूट करेगी यही अंकिता पता है काफी बार व्लॉगिंग में शॉट्स नहीं लेती है जस्ट बिकॉज वो फोटो में क्लिक करती रहती है फोटो और वीडियो ही नहीं आता है और इसको पता भी नहीं चलता कि वीडियो नहीं आया है अरे मैं भूल जाती हूँ काफी बार मुझे लगता है ध्यान नहीं होता है यू नीड फोकस ऑफ माइंड तो डीजल पंप पे आए क्योंकि अंकिता को ड्रॉप कर दूंगा उसके बाद भी डीजल थोड़ा चाहिए होगा मुझे रिटर्न जाना है ना अंकिता सिगरेट अटेंशन बाय द वे मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर रही हूँ मेरे से नहीं बात कर रही वैसे भी कोई बात नहीं आई डोंट केयर छोड़ यार मेरे को कुछ बोलना ही नहीं एनीवेज गाइस तो व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं मैं घर पे जाके अंकिता के एंड करने वाला था बट अंकिता कॉन्स्टेंटली ढंग से बात नहीं कर रही है तो व्लॉग यहीं पे एंड कर लूंगा उसका घर भी पहुंचने वाला हूं मैं भाई मुझे रिटर्न भी होना है तो अभी घर जाके मनाएंगे इसको अभी ज़्यादा भाव खा रही है और कुछ नहीं है आप लोगों के लिए व्लॉग यहीं तक का था तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना दोनों की एंड बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डॉग्स की भी है अंकिता की भी चैनल है ब्लॉग्स आप देख ही रहे हो प्रैंक वीडियो नया अपलोड हो गया होगा जाके देख लो जो मैंने आज किया था अंकिता पे जिसकी वजह से अंकिता गुस्सा है इतना एंड गाइस बस रिव्यूज वगैरह चैनल देख लो सारे सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लो रात को लाइव आ रहा हूँ तो हिरणा में लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे बाय लॉट्स ऑफ लव